ओके जी, तो आज के सेशन के अंदर हम मालूम करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, आपने लिखा है, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सही है? तो हमारे पास एक जो है वो नंबर हमने लिख दिया है सेल के अंदर जो 12 है। मैं इसको एक सिंपल फंक्शन जो एम एस एक्सेल के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा और यूज करने के लिए, कुछ यूजेजेस या उसके एग्जांपल्स को टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद ये नंबर पॉइंट कर दूंगा दिस वन। फिर मैं इसको कहूंगा कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन हो 0 के या बराबर हो 0 के, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मकसद क्या हुआ, जो भी नंबर होते हैं 0, 1, 2 एंड वॉट एवर, 0 से जो कम वैल्यूज होती हैं वो हमारी नेगेटिव होती है। ऐसे ही होता है ना, कोई भी वैल्यू अगर आप जितनी भी बड़ी दे दो लेकिन उसके सामने अगर आपकी माइनस आ जाती है या माइनस की सिंबल आ जाती है तो वो नंबर आपका नेगेटिव कहलाता है। तो मैंने लॉजिक क्या रखी है कि अगर ये वाला सेल जिसमें वैल्यू अभी पड़ी है B4, अगर वो ग्रेटर देन और बराबर है 0 के तो वो नंबर क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर? वरना इफ के सेकंड पार्ट यानी एल्स में ये बताएगा कि वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। यानी 0 से अगर कम आया नंबर तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो ये अभी बता रहा है आपको ये नंबर पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि जो 12 है वो 0 से बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर मैं इसको देता हूं -12 तो आपको बताया गया नंबर नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर कि कोई भी नंबर या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव।